देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हीरानगर सेक्टर में गांव जांडी से सटे नाला में संदिग्ध बैग मिला। खाकी वर्दी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें हीरानगर के जांडी गांव की है। संदिग्ध अवस्था में खाकी वर्दी से भरा बैग मिलने से इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। नौशहरा नगर पालिका के 3 वार्ड पार्षदों ने कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थामा। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने सभी का भाजपा में स्वागत किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य से प्रेरित होकर लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, श्रीमान सुरजीत सिंह सहनी जी, श्रीमती रीता देवी जी और श्री सुरेश कुमार जी का एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और हृदय से इनका धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने विश्वास भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जताया है। शोपियान का एक मुख्य चौक एमसी शोपियान द्वारा कचरा डीपिंग साइट के रूप में बदल दिया गया और जो बड़े पैमाने में मिसरेज जोड़ता है, जहां पर गंद और कुत्तों का जमावड़ा और साथ ही प्रदूषण के कारण बच्चे, दुकानदार और लोगों को काफी सारी दिक्कतें हो रही हैं। मैं ये बोलूं कि पूरे शुपयां का जो कूड़ा करकट है वो म्यूनसिपलिटी वाले जमा करके यहाँ पे डाल रहे हैं। आपने खुद देखा कि अभी दिन के 2:30 बज गए, अभी तक उन्होंने इसको साफ भी नहीं किया। बहुत सारे कुत्ते यहाँ पे होते हैं, बदबू इतनी फैलती है कि दुकान क्या मतलब जो चलने वाला होता है, राहगीर जो होता है, उसको भी काफ़ी मुश्किल होती है चलने में। हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि उनसे गुजारिश की कि जो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली जो डंपिंग साइट यहाँ पे उन्होंने बना दिए, बिल्कुल मतलब दुकानों के सामने, हमारे दुकानों के सामने डंपिंग साइट यहाँ पे बनाई है। तो कई बार हम उनके वहाँ भी गए लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। आज सांबा के सूपवाल इलाके में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से बंद कर प्रशासन का विरोध किया। लोगों का कहना है कि बारिश का पानी उनके घरों में घुस जाता है, जिस कारण से उनके सामान पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। अचानक जो बारिश हुई है तो इससे जो नेशनल हाईवे के जो ऊपरी की तरफ जो एरिया था उसमें एक नाला जो था वो चौक होके पानी जो है लोगों के खेतों में चला गया। तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो थोड़ी देर के लिए नेशनल हाईवे ब्लॉक किया इन्होंने। तो अब जैसे सभी से बात हो गई है तो जहाँ पे NH हमारे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले भी आए हुए हैं, तो इन्होंने कमिट किया कि हम ये जो JCB लगा के जो नाला है उसकी डीसिल्टेशन कर देंगे और ये रास्ता खुल जाएगा पानी। सर, पिछले 3 साल से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोटिस दिया गया? चलो, आप फॉरन नोटिस में आज आया तो आज ये एक्शन हो गया। ठीक है, ये डिसिप्लिन लोगों का, वो जो लोगों नुकसान का अभी हम इसका अंदाजा लगाएंगे। अब क्या ठीक है, इसका कंपनसेशन लोगों को दिया जाएगा सर? जो भी होगा इस पर जो नॉर्म्स होगा वो इनको मिलेगा। कि जनाब, ये जो नाले का मसला है ना, ये आज से नहीं है। जब से ये रोड बना था, पहले जब ये पुल नहीं बना था तो तब भी यहाँ पे ये परेशानी होती थी। आज से 15 साल पहले भी ये परेशानी होती थी। लेकिन जो उनकी समस्या है, मैंने उनको इंश्योर किया है कि अपने कैपेसिटी बजट से 1,00,000 रुपया इमीडिएटली जहाँ पे हम JCB लगाएंगे और इस नाले को जो है वो डिसल्ट करके एक साइड बांध बना देंगे, ताकि जो बार बार की समस्या है इमरजेंसी नेचर का, जितना हो सकता है अभी 1,00,000 रुपये के अंदर वो हम एक साइड बैंड टाइप बना देंगे, ताकि जो पानी खेतों में या घरों में घुसता है वो रुक जाएगा और जो प्रॉपर पानी जो चैनलाइज किया जाएगा, ताकि इनको बार बार नुकसान ना हो। नौशहरा कालाकोट की पंचायत गढ़ में लोगों को बिजली पानी नहीं मिल रहा, जिससे लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें, लोगों ने जल विभाग और बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द बिजली पानी देने की अपील की गई। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? आज ये लोग जो
आपके सामने ये तमाम लोग गर्न पाई के इकट्ठे हुए हैं, इन सब की यही डिमांड है कि हमें अरसद राज से जो पानी और बिजली की बहुत जो है मुश्किल आ रही है कि इस स्कीम को पीएचई स्कीम को चलते हुए जो कटेड़ा जगीर से पानी लिफ्ट किया गया है इसको 40 साल हो गए और 40 साल में सिर्फ 40 दिन पानी मिला और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि गर्न इस एरिया में देखो पाइपें ही पाइपें पड़ी हुई हैं और पानी का नामो निशान नहीं है, पूरे टैंक खाली पड़े हुए हैं। जनाब हमें लाइट होनी चाहिए ना ही हमारे पास पानी है। हमारा एक गनपाई में टैंक बना हुआ है, आज 6-7 साल हो गए हैं तकरीबन, उसमें आज तक पानी नहीं डाला। पाइपें बिछाई हैं लेकिन पानी की सप्लाई नहीं है, क्या वजह? हम गवर्नमेंट से यही अर्ज करते हैं जनाब, हमारी सुनी जाए हमारी बात, यहाँ पर आकर देखा जाए क्या हालत है। पानी हम 10-10 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं। जम्मू संभाग के सांबा में देर रात 3 संदिग्ध देखे जाने की सूचना है। बताया जा रहा है कि तीनों संदिग्ध सेना की वर्दी में थे और इसके पास हथियार भी थे। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, सुरक्षा बलों की ओर से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि रात करीब 1 बजे बंद तालाब इलाके में नागरिकों ने 3 संदिग्धों को देखा जो कि सेना की वर्दी में थे। देर ना करते हुए लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचा और इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। सर जैसे हमने डिनर किया ना, डिनर करने के बाद मैंने ना आम की जो गुठली है ना वो बाहर निकालने के लिए आई और जैसे मैंने टर्न किया तो मैंने 3 आदमी देखे हैं। वो एकदम फुल ड्रेस में थे, आर्मी की कैप डाली हुई थी, तो साइड पे खड़े थे तीनों। तो मैं उनके हाथ में कुछ था, कुछ इस तरह की कोई चीज़? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो उसके बाद आपने क्या आगे कार्रवाई की? मैंने जाके अपने हस्बैंड को बताया, हस्बैंड ने आगे पीछे सबको मोहल्ले में लड़कों को फ़ोन किया और उनको बताया कि ऐसा से 3 आदमी को देखा है। हर साल की तरह इस बार भी सीमा से सटे गांव गुंथरिया यहां साईं बाबा मीरा बख्श साहब का उर्स मुबारक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारी तादाद में लोगों ने इस वर्ष में हिस्सा लिया। आज इसी दूसरी निश्चित सुबह से शुरू थी, उलमा किराम ने इसमें शिरकत की है और जिक्र अज़कार के साथ में, वाज़ नसीहत के साथ में आज जो है ये देखिए बड़े अच्छे अंदाज के अंदर लोगों के साथ में इस पार्क का इख्तिताम हुआ है। इस मौके पर जो है इंतजामिया की जानब से अच्छी यहाँ पर इंतजाम थे, खास करके अरकान ट्रस्ट ने यहाँ पर अच्छा इंतजाम किया हुआ था। इसमें अमन व सुकून, सलामती और इत्तेहाद, मुरम्मत सारी जगह के साथ मिलकर दरस भी दिया गया और दुआएं भी। डीसी पुलवामा बशीर उल हक चौधरी ने शनिवार को जिले में मीडिया कर्मियों के साथ एक बैठक की। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि ने घटनाओं को कवर करते समय डीसी को विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जिला मुख्यालय पर प्रेस क्लब स्थापित करने की भी मांग रखी। सर इसमें अभी जो कनेक्शन जो अभी सर प्रोसीजर है कि कोई भी लड़का जो फिलहाल तो जिससे तक प्रोसीजर जो अभी नए लड़के आ रहे हैं और जो फ्रीलांसर्स हैं तो दे शुड विद एन एफिडेविट, दे शुड मतलब ना इन्फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के उसमें कंडीशंस होती हैं कि जो साहब के सामने पेश करें और उसे तब तक। मोटर वाहन विभाग बारामूला ने रेलवे, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, रोटरी इंटरनेशनल, सत्संग फाउंडेशन और फ्यूचर फोरम इंटरनेशनल के सहयोग से समाज के विकास और विकास के लिए हर हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया। अदालतों में लंबित मुकदमों को कम करने के लिए शनिवार को अन्य स्थानों की तरह भद्रवाह के जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लीगल सर्विस अथॉरिटी ने काफ़ी उस पर कोशिश की और उस कोशिश के आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं आज और काफ़ी जो आज लोक अदालत है काफ़ी गर्म जोशी से वो हो रही है। हमारे मेम्बरान उसमें काफ़ी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हमारी जो बार है उसमें हिस्सा ले रही है। इसके साथ साथ हमने मॉर्निंग में सुबह इनको अवेयर किया, जो पब्लिक आई थी उनको अवेयरनेस दिया कि लोक अदालत क्या होती है, तो काफ़ी बढ़ चढ़ के जो आज है लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफ़ी इसमें हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि जितने केस हमने लिस्ट किए हैं काफ़ी हद तक।
फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।